आप इन्ना चढ़दी कला ना दया करो कि ये जेड़े RSS जां भाजपा वाले कितने माड़े मोटे भी कितने सौण की कोशिश करते हैं तो उन्होंने फतेह की आवाज इदा सुने कि जिदा उन्होंने करंट लगा। आओ सब तो पहला फतेह सांझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीरनो जेडे तुसी सवेर दे मंच ते नाटक देखे, वख वख बुलारियां दे बोल सुने, इक्को ही मकसद सी कि साडियां जमीना इन्हां ने किद्दां अपने हक्कां दे विच लैणियां, इहो जिहियां जिहड़ियां कानून इन्हां ने बनाए, सरमारे समाएदारी लियांदी। मैं वीर नूं इक गल तुहानूं दस देवां कि ये भाजपा वाले तो की ये तुहाडे उदम का उपराला है। तुसी चढ़दी कला दे विच चढ़दी कला दे विच ही रहना ते चढ़दी कला दे विच ही रहांगे। इन्हां च किसे माई दे लाल दी इन्नी हिम्मत हैगी कि वह साडियां जमीनां वल कदे अख चक के देखे? किसान दा पुत ते बन्ने तो कोई एक गाची ला लवे उहनूं नहीं बख्शदा, ते की असी इन्हां नूं कारपोरेट घराने वालियां नूं बख्श दोगे? मेरा तो एक ख्याल आ कि असी तो भावें दिल्ली मोर्चे च बैठे हाँ, किसे माई दे लाल दी हिम्मत हैगी है जाके साडियां फसलां वल ते नसलां वल जाके वेखे? आ मैं पिछे महीना को गया, मैं पिंड अपने गया सी, वो भी कोई साडे सीनियर आगू उन्होंने ड्यूटी लगाई, फिर मैं पिंड पहुँचा तो कुछ साडे पिंडां दे साथी जिन्होंने पता लगा कि मैं पिंड आया, उन्होंने सवखते ही मेरे को लगभग 5:30 बजे मैं घर पहुँचा तो 7:30 बजे वो वीर आ गए। मैं क्या पहला ये दसो भी तुसी आए किवें जे? कहिंदे असी तां मोर्चे च सी पर जदों असी वापस आए तो सानू इत्थों सुनेहा मिलिया कि आ जिहड़ी दिल्ली तो सड़क निकल के जम्मू खरड़ा जा रही आ, इहदे 2-3 अधिकारियों ने सानू सद्या दे फोनां दे उत्ते कहण लगे कि बंबियां दे कनैक्शन दसो कित्थे शिफ्ट करने आ। मैं क्या फिर कहिंदे असी फिर क्या भी कोई गल नहीं तुसी आ जाओ। मैं क्या ढिले तो नहीं क्या? कहिंदे भी सच्ची गल आ असी ढिले ही क्या। मैं क्या काम भी ताडी ढेली खराब करदी आ। मैं फिर एक उन्हां नाल वादा किया कि मोर्चे च ढिल नहीं आनी चाहीदी, तुसी चढ़दी कला च आना चाहिए ही मोर्चियां नूं, छाला मार मार मोर्चियां दे विच आओ ते ए बीबियां भैणां दी ड्यूटी ला दिओ कि जिहड़ा भी अफसर आउंदा उहनूं इत्थे ही बन्न लिओ, फिर जिहड़ी होगी उह असीं आपे वेख लांगे। किहड़े माई दे लाल दी हिम्मत आ? वह असीं ते दिल्ली दे कानून बनाउण वालियां दी हिक ते बैठे आ, ते कोई साडियां जमीनां दे विचों दी सड़क बणा जू? जिहड़ी इह सड़क कढ रहे ने वो सड़क दी वीर नूं तुहानूं दस दईए उहदे विच की चीज़ां ने, ये बेईमाना ने सीधा कनैक्ट बाहरलियां पाकिस्तान अफगानिस्तान वालियां नूं जिहड़ा तुहाडे को अनाज खोहण दीआं कोशिशां कीतीआं जिहदे विच तुसीं इहनां नूं असफल कीता, वह इन्हां ने 12 फुट उच्ची सड़क बनाउणी आ। वह सड़क दे उत्ते जिथों तुसीं चढ़ना वो एंट्री करनी उत्थे टोल प्लाजा होएगा, जदों तुसीं उतरना होएगा उत्थे फिर टोल प्लाजा होएगा। मैं उन्हां नूं एक गल दस दित्ती, एक दोवां अफसरां नूं जिहड़े रहिंदे ने, मैं उन्हां नूं एक बेनती कर देवां कि जे ते तुसीं धरती मां दे जाए हो, जे तां तुसीं अपनी माता दा दुध चुंगिया ते इस धरती ते कुछ अपनी जात छड के जायो, क्योंकि आउण वालियां नसलां किते तुहानूं इह अलामा ना देण कि जदों सड़क निकली सी ते साडे वड्डियां ने सैन कीते सी, कहिंदे सी तुसीं करेक्शन ऐनू कर लो जां असीं इत्थों दी मिट्टी पाउणी है सड़क बनाउणी है ते तुसीं आह कम कर लिओ। इस गल तों उहनां नूं इह सख्त चेतावनी दिंदे कि जे आउणा होऊ ते बण बनतर के आयो
फिर तुहानू असी दसांगे भी सड़कां किवें कढ़णियां जां जमीनां किवें हड़प करनियां। ये ताडे सहयोग की लोड़ आ, ताडे उपराले की लोड़ आ। जिन्नियां भी हिम्मतां करके तुसीं आ रहे हो, तुसीं लगभग पिंडां दे विच कमेटियां बना लियां। हर वीर इत्थे जदों भी आउंदा इत्थे मिलदे ने, पुछीदा किन्ने आए हो, कोई कहिंदा असीं 10 जणे आए ने, पहलियां नूं भेजता असीं नवें आए हाँ। मैं हैरान हो गया अज तुरिया आउंदा, जदों ऐन आउंदे सी असीं स्टेज वालू, मैनू एक गल का बड़ा अफसोस होया कि जिहड़े नौजवानां नूं कोई शरारती अंसर ये गल कह दिंदे ने कुछ चैनलों वाले कि इत्थे नौजवान है नहीं, मेरे मन दे विच बड़ी ठेस पहुँची कि नौजवानों लई आह दिन अखाड़िया दे हुंदे सी, आह दिन इन्हां दे खेडण दे हुंदे सी, ते अज नौजवान सड़कां दे उत्ते टाट विछा के ते अपनी जमीन दी, अपनी जमीर दी ते अपनी आउण वालियां पीढ़ां वास्ते इस धूड़ नूं स्वीकार कर रहे ने। जिहड़ी इह धूड़ साडे कोलों इह जालम सरकारां खोह रहियां ने। कोई कह रहा मैं किसानां दा हमदर्द वां, कोई कह रहा मैं किसानी लई जम्मिया सी। मैं इन्हां लीडरां नूं पुछदा वो जे तुसीं किसानी लई जम्मे ही सी ते सैन अखां मीट के तोते वांगू क्यों करी गए? तुहाडे दे घरां दीआं बरूआं तक असीं जा के तुहानूं एडिनस दीआं कापियां दित्तियां, तुहाडे दफ्तरां विच असीं जा के हर चिट्ठी तुहाडे घरां च पहुँचदा कीती। जिहड़ा कोई नहीं सी मिलदा उन्हूं बाई डाक असीं चिट्ठियां जिहड़ियां असीं रजिस्ट्रियां करके पहुँचाईआं। अज तुसीं ये मोमो ठगणियां साडे नाल करदे हो। ये जिहड़े लीडर जिन्ने भी दौड़े फिरदे ने ये भराओ कमर कसे कर लो, इन्हां ने ना तुहानूं बख्शिया ते ना इन्हां ने तुहानूं बख्शना जे। ये गल मेरी याद रख लियो, क्योंकि इन्हां दा इक्को ही मकसद आ हुण किस तरह इन्हां दे नाल लगना ते आउंदे पंजां सालां दे विच इन्हां तों जिहड़ा कोई रह गया उह किद्दां खोणा। ये इन्हां सरकारी नीतियां ने इन्हां दीआं। जिद्दां इत्थे दस्सिया सी कि मेरे बच्चे बीमार ने, घरवाली मर गई आ ते मैनू पैसे दे दिओ, इस तों वध इन्हां ने जलील करना जे कि तुसीं उखड़ गए। कई मेरे वीर सोचते आ कि मैं चलिया मैनू किसी ने आ नहीं कहा ते किसी ने मैनू जी आया नहीं कहा। मैं उन्हां वीरना दे अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा कि रुसण रसाउण वालियां गल्लां छड़ दिए। एक एक तीला चुन के आलना बना लेंदे ने जानवर। जे तुसी कला कला रुस के जांदे होए ते किन्ने चले जाओगे, ते जे एक एक जाना उधरों चल के इत्थे आ गए ते लखां दी तदाल च तुसी अगे बैठे हो ते लखां दी तदाल ही होर हो जाएगी। हुण तां बीबियां दा अगे भी सिर झुकदा कि जदों भी किते हर गड्डी दे विच वेखो ते 5-7 बीबियां जरूर बैठियां हुंदियां ने। जे 10 सीटां वाली गड्डी आ ते उहदे विच 5 बीबियां जरूर आउंदियां ने। मैं दसना चाहुंदा इन्हां सरकारां नूं कि इह तां बाबे नानक दी कृपा ए, इह तां पंजे नाल पहाड़ डक दित्ता साडे गुरुआं ने, जिन्हां दी बख्शिश अहीं इत्थे बैठे आ, जिन्हां दी बदौलत इत्थे लंगर चलदे आ। कदी नवां दे नालों मास वख नहीं होया। जे रसेवां किसी बापू का पुत ना हो तो कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा, बापू ने आपे मना लेना। जदों मावां चले जांदियां दुनिया तो जां प्यो चले जांदे ने ते पता बाद च ही लगता कि बापूआं दा झिड़किया जिहड़ा सी उह कम आउण वाला सी, माता दा झिड़किया कम आउण वाला सी। पर उदों कोई फायदा नहीं हुंदा मित्रो, जदों सप लंघ जावे ते लीक दे उत्ते सोटे मारदे रहिए ते फिर कोई फायदा नहीं। मां दी बुक्कल दा ते बापू दी गोदी दा जिहड़ा निग हुंदा ये सरकारां ने तुहाडे कोलों खोह लिया। किवें खोया? कि तुसीं इत्थे मोर्चिआं च आए सी, कईआं दे बापू इत्थों विछड़ गए, कईआं दीआं माता विछड़ गईआं ते कईआं दे भरा विछड़ गए ते कईआं दे सुहाग विछड़ गए। पर इन्हां जालम सरकारां ने किसे वड्डे कारपोरेट वाले दा कुत्ता मर जावे
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਪਰਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫਟੇਗਾ ਹੀ ਫਟੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4% ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਰੁੱਸਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸ਼ੀਨ ਆ, ਬਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਸਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।